क्लास 9 चैप्टर नंबर 11 एक्सरसाइज 11.2 स्टार्ट करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 12। इन फिगर ए एम परपेंडिकुलर बी सी, ए एन इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। इफ एंगल बी 65 एंड एंगल सी इज 33, फाइंड एम ए एन। आपको ये एंगल फाइंड आउट करना है। सपोज मैं इसको मान लेता हूँ ए, और ए एन इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, दैट मीन्स ये एंगल और ये एंगल आपका क्या होगा, बराबर होगा। तो सपोज मैं इस पूरे को एंगल वन मान लेता हूँ और इस पूरे को एंगल टू, तो रूल के अकॉर्डिंग आपको एंगल वन और एंगल टू बराबर दे रखा है। अब ये मत समझना ये पोर्शन आपका एंगल वन है, ये पूरा एंगल वन है। और एंगल एम ए एन को मैंने मान लिया ए। आपको एंगल बी गिवन है 65 डिग्री और एंगल सी गिवन है 33 डिग्री। आपको ए फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगाई। इन ट्रायंगल ए बी एन, ए बी एन में मैं क्या लगा रहा हूँ एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, तो इन दोनों का एंगल का सम किसके बराबर होगा, इसके एंगल के। तो यहाँ पर आप लिखोगे एंगल वन प्लस एंगल बी बराबर है एंगल ए एन सी के। रीज़न आप मेंशन करोगे एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। एंगल वन आपको नहीं पता, एंगल बी आपके पास है 65 बराबर है एंगल ए एन सी के। इसको हम मार्क कर लेंगे इक्वेशन नंबर वन। अब एक्सटीरियर एंगल लगाऊंगा मैं इन ट्रायंगल ए एन सी में। तो यहाँ पर आप लिखोगे इन ट्रायंगल ए एन सी एंगल टू प्लस एंगल सी का सम बराबर होगा एंगल ए एन बी के। रीज़न आप मेंशन करोगे एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। एंगल टू आपको नहीं गिवन, एंगल सी आपको गिवन है 33, तो बराबर है एंगल ए एन बी। एंगल वन और एंगल टू के बराबर है, तो मैं यहाँ पर एंगल टू की जगह रिप्लेस कर दूंगा एंगल वन, तो एंगल वन प्लस 33 बराबर है एंगल ए एन बी के। तो इसको मार्क कर लूँगा सेकेंड इक्वेशन। अगर आप ध्यान से देखो तो इन दोनों का एंगल का सम किसके बराबर होगा, 180 डिग्री, बिकॉज लीनियर पेयर एंगल। तो यहाँ पर आप लिखोगे एंगल ए एन सी प्लस एंगल ए एन बी बराबर है 180 डिग्री। रीजन आप मेंशन करोगे लीनियर पेयर एंगल। यहाँ पर एंगल ए एन सी प्लस ए एन बी का सम कितना आ रहा है, 180 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर वन और टू को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर आप लिखोगे ऐड वन एंड टू, तो एंगल वन प्लस एंगल वन ट्वाइस ऑफ एंगल वन प्लस 65 प्लस 33 बराबर है एंगल ए एन सी प्लस एंगल ए एन बी। बट अगर आप ध्यान से देखो तो इन दोनों का सम कितना है, 180, तो इसकी जगह हम रिप्लेस करेंगे 180 डिग्री, तो ट्वाइस ऑफ एंगल वन प्लस 98 बराबर है 180 डिग्री। तो 98 है प्लस है वहाँ जाके माइनस, तो ट्वाइस ऑफ एंगल वन बराबर है 180 डिग्री माइनस ऑफ 98, ये आ गया आपका 82। टू यहाँ मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड, तो एंगल वन कितना आ गया, 41 डिग्री। एंगल वन की वैल्यू को आप पुट करोगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर टू। तो यहाँ पर आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर टू एंगल वन आपका है 41 प्लस 33 बराबर है एंगल ए एन बी। तो एंगल ए एन बी आपका किसके बराबर हो गया, 74 डिग्री के। अब ए एन बी की बात करूं या ए एन एम की बात करूं, बात तो एक ही है क्योंकि एंगल एन की बात हो रही है। तो यहाँ पर मैं ए एन बी को एंगल ए एन एम मेंशन कर सकता हूँ। अब हम क्या करेंगे, जो आपको फाइंड आउट करना है उसी ट्रायंगल को लेंगे। तो यहाँ पर आप लिखोगे इन ट्रायंगल ए एम एन, ए प्लस एंगल ए एम एन प्लस एंगल ए एन एम बराबर है 180 डिग्री। ए की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ए एम एन आपका कितना दे रखा है, 90 डिग्री प्लस 74 बराबर है 180 डिग्री के। तो ए आपका बराबर हो गया 180 डिग्री माइनस ऑफ 164, तो ए आपका कितना आ गया, 16 डिग्री। दैट मीन्स एंगल एम ए एन की वैल्यू कितनी आ गई, 16 डिग्री। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, इन ट्रायंगल ए बी सी ए डी बाइसेक्ट एंगल ए।
मतलब ये दोनों एंगल आपके बराबर है। एंगल सी ग्रेटर दैन एंगल बी, प्रूफ दैट एंगल ए डी बी ग्रेटर दैन एंगल ए डी सी। यहाँ पर आपको गिवन है एंगल सी ग्रेटर है एंगल बी के, रीजन आप लिखोगे गिवन। ए डी क्या कर रहा है, एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, दैट मीन्स ये पूरा ट्रायंगल आपका दो ट्रायंगल में डिवाइड हो गया। अगर हम इन ट्रायंगल ए डी सी की बात करें और एक्सटीरियर एंगल लगाएं, तो एंगल डी ए सी प्लस एंगल ए सी डी का सम किसके बराबर होगा, एंगल ए डी बी के, बिकॉज एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। एंगल डी ए सी आपने क्या माना हुआ, एक्स, एंगल ए सी डी आपका एंगल सी है, बराबर है एंगल ए डी बी के। और अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं इन ट्रायंगल ए डी बी की, तो एक्स प्लस एंगल बी किसके बराबर होगा, एंगल ए डी सी के, रीजन आप क्या लिखोगे, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। अब इन दोनों रिलेशन को हम यूज़ कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखिए, आपको यहाँ पर क्या गिवन है, एंगल सी ग्रेटर दैन एंगल बी। यहाँ पर एंगल सी के साथ एक्स है, यहाँ पर एंगल बी के साथ भी क्या एक्स है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ऐड करूँगा एक्स ऑन बोथ साइड। तो एक्स प्लस एंगल सी ग्रेटर देन एक्स प्लस एंगल बी। अभी यहाँ पर आपने रिलेशन निकाला कि एक्स प्लस एंगल सी किसके बराबर, एंगल ए डी बी के, तो यहाँ पर आप लिखोगे एंगल ए डी बी ग्रेटर देन, और इन दोनों का सम किसके बराबर, एंगल ए डी सी, तो यहाँ पर लिखोगे एंगल ए डी सी। और अगर आप ध्यान से देखो तो यही चीज़ आपको क्या करनी थी, प्रूफ, तो यहाँ लिख दोगे आप हेंस प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 14, इन ट्रायंगल ए बी सी बी डी परपेंडिकुलर ए सी, सी ई परपेंडिकुलर ए बी, इफ बी डी एंड सी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, प्रूफ दैट एंगल बी ओ सी बराबर है 180 डिग्री माइनस ऑफ एंगल ए। यहाँ पर आपको गिवन है बी डी परपेंडिकुलर ए सी, दैट मीन्स एंगल बी डी ए और एंगल बी डी सी दोनों का वैल्यू कितना होगा, 90 डिग्री। और आपको गिवन है सी ई परपेंडिकुलर ए बी, दैट मीन्स एंगल सी ई ए और एंगल सी ई बी की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन क्वाड्रिलेटरल ए ई ओ डी लेंगे, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो ये आपका क्या बन रहा है, क्वाड्रिलेटरल ए ई ओ डी, क्योंकि आपको पता है कि अगर चार साइड से अगर बने कोई एक पॉलीगन, उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल, और उन चारों एंगल का सम किसके बराबर होगा, 360 डिग्री के। तो यहाँ पर हम उसी रिलेशन को यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर आप लिखोगे एंगल ई ए डी प्लस एंगल ए ई ओ प्लस एंगल ई ओ डी प्लस एंगल ए डी ओ बराबर है 360 डिग्री। रीजन आप लिखोगे द सम ऑफ फोर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। एंगल ई ए डी आपको नहीं पता तो इसकी जगह एंगल ए भी लिख सकते हो, एंगल ए ई ओ आपको दे रखे 90 डिग्री, एंगल डी ओ ई एज इट इज प्लस एंगल ए डी ओ आपको दे रखे 90 डिग्री बराबर है 360। तो एंगल ए प्लस एंगल डी ओ ई बराबर हो गया 360 डिग्री माइनस ऑफ 180। तो एंगल ए प्लस एंगल डी ओ ई आपका किसके बराबर आ गया, 180 डिग्री। तो इसको भी हम मार्क कर लेंगे फर्स्ट इक्वेशन। अब आपका बी डी और सी इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट ओ पे, तो दैट मीन्स ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, बराबर होंगे, बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो यहाँ पर आप लिखोगे एंगल डी ओ ई बराबर है एंगल बी ओ सी के, रीजन आप मेंशन करोगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब इसी रिलेशन को हम यूज़ करेंगे और यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका बन गया एंगल ए प्लस डी ओ ई की जगह आपने लिख दिया बी ओ सी बराबर है 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल बी ओ सी वैल्यू कितनी आ गई, 180 डिग्री माइनस ऑफ एंगल ए, और यही चीज़ आपको क्या करनी थी, प्रूफ। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 14 का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 15, इन फिगर ए ई बाइसेक्ट एंगल सी ए डी,
सपोज ये मैंने ले लिया एंगल वन और ये ले लिया आपने एंगल टू, एंगल वन और एंगल टू आपको क्या दे रखे है बराबर, बिकॉज ए ई बाइसेक्ट एंगल सी ए डी, और एंगल बी और एंगल सी क्या दे रखे है बराबर, आपको प्रूफ करना है ए ई पैरेलल बी सी। अगर आप यहां पर ध्यान से देखो एंगल ए का ये क्या कहलाएगा, एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा, तो यहाँ पर हम एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगाएंगे, तो इंटर एंगल ए बी सी एंगल सी प्लस एंगल बी का सम होगा एंगल सी ए डी के, बिकॉज एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। एंगल सी और बी क्या दे रखे हैं बराबर, तो इसकी जगह मैंने बी की जगह सी लिख दिया, तो ट्वाइस ऑफ एंगल सी बराबर है। सी ए डी आपको दे रखा है एंगल वन और टू, तो यहाँ पर आपने लिख दिया एंगल वन प्लस एंगल टू, और एंगल वन और एंगल टू भी क्या दे रखा है बराबर, बिकॉज ए ई बाइसेक्ट एंगल सी ए डी, तो ट्वाइस ऑफ एंगल सी बराबर है ट्वाइस ऑफ एंगल वन, तो टू से टू कैंसिल आउट, तो एंगल सी किसके बराबर आ गया एंगल वन के, मतलब ये और ये एंगल क्या हो गए बराबर। और अगर आप ध्यान से देखो तो इट होल्ड द प्रॉपर्टी ऑफ ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, तो यहाँ पर आप लिखोगे From this relation, it hold the property of alternative interior angle. So therefore, AE parallel BC. तो ये हो गया आपका सलूशन। तो ये था आपका 11.2 का सलूशन। अगर आपने अभी इसके पहले की एक्सरसाइज का सलूशन नहीं किया तो उस वीडियो का लिंक आप डिस्क्रिप्शन से ले सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, और फर्दर सलूशन देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करके रखें, क्योंकि हम डेली वीडियो अपलोड कर रहे हैं जिनकी नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो मिलते हैं जल्द आपको नेक्स्ट वीडियो में।